आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद, आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह की धारा 124A पर लगाई रोक, कोई नया केस दर्ज नहीं होगा, जेल में बंद लोग मांग सकेंगे जमानत। बुलडोजर पर फिर से सवार हुई दिल्ली MCD, द्वारका में शुरू हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई, कई इलाकों में नहीं पहुंची निगम की टीम। मोहाली ब्लास्ट में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, तरन तारन से आरोपी निशान सिंह गिरफ्तार, आतंकी रिंदा के साथ हैं संबंध। बंगाली लेखिका रत्ना राशिद बनर्जी ने सीएम ममता बनर्जी को साहित्य के क्षेत्र में मिले विशेष पुरस्कार देने पर कड़ा ऐतराज जताया, विरोध में बांग्ला अकादमी को अपना पुरस्कार वापस लौटाया। आंध्र और ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है चक्रवात असानी, सभी पुलिस स्टेशनों में हाई अलर्ट घोषित। देश में सामने आए कोरोना के 2,897 नए मामले, 24 घंटे के अंदर 54 लोगों की हुई मौत। देवरिया जिले में सौतेले भाई ने अपने ही दो सगे भाइयों की गला रेत कर हत्या की, गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम देवताहा टोला छितही का मामला। यूपी में होम बार लाइसेंस को कैबिनेट ने दी मंजूरी, घर पर पीने पिलाने के लिए ले सकेंगे लाइसेंस, बेहद आसान किए गए नियम। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने किया अपना नामांकन दाखिल, चंपावत विधानसभा उपचुनाव प्रचार में उतरेंगे सियासी दिग्गज। उत्तराखंड के सीएम धामी के लिए वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी, भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। आजम खान के बेटे और पत्नी के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, कोर्ट ने तय की 16 मई की डेडलाइन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, रेल यात्रा में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें और बढ़ेंगी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची ईडी की टीम। पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ पर वैज्ञानिकों को पीएम मोदी ने किया सलाम, बोले अटल जी ने दिया था उत्कृष्ट राजनीतिक साहस और कौशल का परिचय। मेरठ में बाइक सवार की मांझे से कटी गर्दन, घंटे भर सड़क पर तड़पता रहा युवक, जिला अस्पताल में भर्ती, हालत बेहद गंभीर, रामताल वाटिका पार्क के सामने की घटना। उत्तर प्रदेश देश का पहला सूबा जहां ई विधानसभा हुआ लागू, विधानसभा की कार्यवाही अब दूरदर्शन के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी दिखेगी लाइव, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दी जानकारी। अब ट्रेन में छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाली महिलाओं को मिलेगी बेबी बर्थ, महिला यात्रियों से नहीं लिया जाएगा कोई अतिरिक्त किराया। भारत में लॉन्च हुई दमदार रेंज वाली नेक्सन ईवी मैक्स, सिंगल चार्ज में कार चलेगी 437 किलोमीटर। श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शनों के बीच 8 की मौत, रक्षा मंत्रालय का तीनों सेनाओं को निर्देश, उपद्रवियों को सीधे गोली मार दी जाए। चीन में कोरोना वायरस से मचा हुआ है हाहाकार, शंघाई बीजिंग में सामान की डिलीवरी लेने पर भी रोक, जनता में फैल रहा आक्रोश। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।